नमस्कार, चर्चा राजनीतिक खबरों की और इन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल तिवारी। कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही है हमारे देश की और प्रदेश की राजनीति के साथ भी। कुछ दिनों पहले इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय अपने बल्लाकांड के चलते देश की राजनीति में प्रचारित हो गए थे। इसके बाद तरह तरह के बयान आए, खबरें आई और आकाश विजयवर्गीय का नाम खूब ज्यादा उछला। लेकिन अब आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड धीरे धीरे खत्म होने ही जा रहा था कि एक और बड़े नेता का बयान आ गया। यह बयान था भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का। सुमित्रा महाजन ने आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड को लेकर कहा कि माँ की परवरिश में ही कोई गलती है तब बेटे ने ऐसा कदम उठाया है। इसके बाद इस बयान को लेकर अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान की चर्चाएं भी हो रही हैं। आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड पर भाजपा के सभी बड़े नेता अभी तक बोलने से बच रहे थे, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलत को गलत कहना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो पहले उसे समझना होगा कि माँ ने ही संस्कार देने में गलती की होगी। ऐसा है, बेटा जब गलती करता है तो माँ पहले खुद को सोचती है कि मेरे संस्कार देने में गलती हो गई क्या, और सुधारना भी है तो सुधारती भी है, डांटना भी है तो डांटती भी है, मगर जरूरी नहीं कि सबके सामने ही डांटे, मगर हाँ जो गलत है उसको गलत तो कहना पड़ेगा। राजनीति में सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय के रिश्तों के बारे में भी सभी को ज्ञात है। जब जब मौका मिलता है कैलाश विजयवर्गीय भी ताई की लाइन को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं हमेशा सौम्य और शांत रहने वाली महाजन भी बातों ही बातों में कैलाश पर निशाना साध लेती हैं। जब आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड हुआ था तब उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर अपने बेटे का बचाव किया था, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बारे में बोलने से बच रहे थे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी थी, जबकि अब पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक महाजन ने इस बारे में सार्वजनिक राय दी है। सर, जो भी सर आपके जो विधायक आपके पुत्र हैं सर, वो उन्होंने पाए गए हैं सर, सर उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट लेके जाया गया सर, कोर्ट भी लेके जाया गया सर, आपको ये पुत्र हैं हैं सर, सर 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 आपको लगता है कि ये पूरा जो एक एक्ट हुआ है कहीं ना कहीं सर एक विधायक हैं सर, जिस तरीके से उन्होंने ये बैट से पिटाई की है सर, एक अधिकारी की सर, आप किस तरह देखते हैं सर? सर आप महामंत्री हैं सर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, आपको सर एक विधायक आपके बेटे हैं, आप समझ लीजिए। अभी कुछ पूरा वीडियो आ गया है, क्या ऐसी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आपको तो क्या कोई विधायक को कानून में हाथ लेने का अधिकार है ऐसे? इस विषय पे बोलिए सर, क्योंकि पूरा पूरा हर तरफ ये वीडियो चल रहा है। ऐसा है, बेटा जब गलती करता है तो माँ पहले खुद को सोचती है कि मेरे संस्कार देने में गलती हो गई क्या, और सुधारना भी है तो सुधारती भी है, डांटना भी है तो डांटती भी है, मगर जरूरी नहीं कि सबके सामने ही डांटे, मगर हाँ जो गलत है उसको गलत तो कहना पड़ेगा। कुल मिलाकर आकाश विजयवर्गीय के मामले में ताई के बयान ने भाई और ताई की तलखी को एक बार फिर लोगों के सामने ला दिया है। अब ताई ने यह बयान केवल आकाश को अपना बेटा समझते हुए दिया है या फिर इस बहाने से भी उन्होंने पिता कैलाश को निशाना बनाया है, यह धीरे धीरे आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इस मुद्दे ने इंदौर की राजनीति में भूचाल जरूर ला दिया है। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।